Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from MindMagma, and in this video we are going to start a new topic which is airflow through mind openings. Airflow कैसा होता है हमारे mind openings में उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. So before we start this video, make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. So इस topic में हम लोग क्या क्या चीजों को कवर अप करने वाले हैं. तो पहले हम airflow के principles को देखेंगे. Airflow के principles के बाद हम लोग टाइप ऑफ फ्लो देखेंगे. टाइप ऑफ फ्लो के बाद हमारे स्कीमेटिक ऑफ फ्लो और रेजिस्टेंस ऑफ एयरवेज के बारे में समझेंगे. फिर कौन से पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं हमारे एयरवेज के रेजिस्टेंस पे उसके बारे में समझेंगे. इक्विवेलेंट ऑरिफाइस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, इसके रिजल्ट क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे. एयरवेज में लूज कैसा कैसा होता है उसके बारे में समझेंगे. और इकोनॉमिक एयरवे क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. सो ये होगा सारे टॉपिक जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. सो लेट अस ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम एयर फ्लो प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं कि एयर फ्लो के प्रिंसिपल क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एयर फ्लो का. सो बेसिकली एयर फ्लो इन अ माइन इज इंड्यूस्ड बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनटेक एंड एग्जॉस्ट ओपनिंग. जैसा कि बेसिक मतलब होता है, एक एयर फ्लो कैसे होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है. तो वहां से जब भी एक दो दो जगह है, मान लीजिए अभी एक जगह पे हाई प्रेशर है और एक जगह पे लो प्रेशर है, और तो वहां पे जो हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर के जगह को एक सिमिलर पोजीशन में लाने के लिए वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा एक इक्विवेलेंस मेंटेन करने के लिए. तो वही फ्लो जो होता है उसको हम बोलते हैं एयर फ्लो. तो एयर फ्लो इन अ माइन इज इंड्यूस्ड बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन मेन इनटेक एंड एग्जॉस्ट ओपनिंग. एक इनटेक होता है और एक एग्जॉस्ट ओपनिंग होती है, जहां से इनटेक एयर वे जो होता है वहां पे हमें प्योर एयर प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न एयर वे में जो है वो सारी चीजें लेके जो भी हार्मफुल गैसेस है अंदर, जो भी चीजें प्रोवाइड, जो भी चीजें मिक्सअप हो रही है एयर वे पे, वो सारी चीजें रिटर्न और एग्जॉस्ट ओपनिंग से निकलती है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल. लेट अस गो टू आवर सेकंड प्रिंसिपल. हमारा क्या है कि द प्रेशर डिफरेंस इज कॉज्ड बाय इंपोजिंग सम फॉर्म ऑफ प्रेशर एट वन पॉइंट और अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स इन अ वेंटिलेटिंग सिस्टम. बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, एक जगह पे हाई प्रेशर डालने के लिए हम लोगों को ज्यादा एयर प्रेशर उस पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके उसका जो प्रेशर है हाई होगा दूसरे जगह से. यहाँ पे एक मेन पॉइंट ही यही है कि हमारा प्रेशर डिफरेंस होना ही चाहिए, तभी एयर फ्लो होगा. तो इस चीज को अचीव करने के लिए क्या होता है कि हम कुछ फॉर्म ऑफ प्रेशर फैंस एक जगह पे लगाते हैं, या फिर बहुत जाके अलग अलग सीरीज और पूरे वेंटिलेशन सिस्टम में कुछ कुछ पॉइंट्स पे लगाते हैं ताकि एक एयर प्रेशर कंटिन्यूसली मेंटेन रहे, ताकि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो के रखे और एयर फ्लो कंटिन्यूस बना रहे. ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज द प्रेशर क्रिएटेड मस्ट बी ग्रेट एनफ टू ओवरकम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड शॉक लॉसेस. प्रेशर जो भी हम लोग एक जगह पे क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ड्यू टू इरेगुलर सरफेस, अलग अलग रीजंस के वजह से जो भी प्रेशर हम एक जगह से भेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं टकरा के वो जो रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, तो जहां पे जितना पहुंचना चाहिए उतना वहां पे नहीं पहुंचेगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और शॉक लॉस के वजह से. तो इसी के लिए हम लोगों को इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है ताकि जो इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और शॉक लॉस से जितना हमको लॉस हो रहा है वो चीज भी कवर अप होके जितना अमाउंट हमको उस पोजिशन या फिर उस प्लेस चाहिए उतना ही अमाउंट हमको मिले. तो ये चीज हो गया हमारा थर्ड प्रिंसिपल. फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट एयर फ्लो फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर टू लोअर प्रेशर. जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट पे बताया कि एयर फ्लो वहीं पे होता है जहां पे हायर पॉइंट होता है हमारे एयर प्रेशर का, और वहां से वो लोअर प्रेशर की तरफ जाता है. और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि माइन वेंटिलेटिंग प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर मे आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जो माइन वेंटिलेटिंग प्रेशर है, जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में बोला कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इनटेक, एक होता है हमारा एग्जॉस्ट, और आप इसको बोलते हैं पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब होता है हमारा फोर्सिंग फैन जो, या फिर फोर्सिंग प्रेशर जो हमारे इनटेक पे होता है, क्योंकि हम वहां से एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर हम भेजते हैं अपने अंडरग्राउंड में ताकि वो सारी चीजें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, शॉक लॉस, एक करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर वहां पे पहुंच पाए, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं. और नेगेटिव एक एग्जॉस्टिंग प्रेशर होता है. एग्जॉस्टिंग प्रेशर मतलब जहां से हमारा रिटर्न एयर वे आ रहा है उसको हम नेगेटिव या फिर एग्जॉस्टिंग बोल सकते हैं, जहां से वहां से वो एग्जॉस्ट करके जो अंडरग्राउंड का जो भी वार्म एयर हो गया या फिर जो भी हमारे हार्मफुल गैस हो गए वो उस वेंटिलेशन के थ्रू वहां से निकल जाए. तो यही है एक माइन वेंटिलेटिंग प्रेशर
जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया हमारा एयर फ्लो प्रिंसिपल्स के बारे में। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक हो गया हमारा लैमिनार फ्लो, एक हो गया हमारा टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि लैमिनार फ्लो क्या होता है। अभी आप मान लीजिए ये हमारा पैसेज है, ये हमारे लैमिनार के लिए, और आप ये मान लीजिए हमारे टर्बुलेंट के लिए। लैमिनार फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लूइड लेयर्स हैं वो हमारे पैरेलल ट्रैवल करते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, बस पैरेलली ट्रैवल करके वो लोग आगे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, वो एकदम इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी मैटर, वो यहाँ पे एक अलग ही पैटर्न से उनके मतलब कोई भी पैरेलल मूव नहीं करते, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं और वो एक ऐसे फ्लो के साथ जाते हैं। ये हो गया हमारा लैमिनार फ्लो, ये हो गया हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं विच इज इट ऑकर्स इन फ्लूइड फ्लोइंग विद लो वेलोसिटी। जब भी कोई भी एक पाइप में आप पकड़ लीजिए, जब एक लो वेलोसिटी में पानी जा रहा है, एक लो स्पीड से पानी जा रहा है, उस टाइम पे हमारा लैमिनार फ्लो होता है, और जब भी एक हाई वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है उस टाइम पे हमारा जो क्या बोलते हैं जो टर्बुलेंट फ्लो उस टाइम पे होता है हमारा। अभी तीसरी चीज है हमारी वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, RE is less than 2000, जो लैमिनार फ्लो होता है उसमें रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 2000 से कम होता है, और यहाँ पे होता है जो वैल्यू है रेनॉल्ड्स नंबर का वो ग्रेटर होता है 4000, ग्रेटर देन 4000 से ज्यादा। तो बेसिकली ये रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली एक डायमेंशनल लेस नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, एक डायमेंशनल लेस नंबर है जो कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं ताकि हमको पता चले कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है कोई भी बॉडी से या फिर कोई भी एक डक्ट से, वो स्टेडी है या फिर टर्बुलेंट है। इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक रेनॉल्ड्स नंबर उसको देते हैं जो कि एक डायमेंशन लेस नंबर है। ये हो गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि लैमिनार फ्लो में वो 2000 से कम होना चाहिए और टर्बुलेंट में ये 4000 से ज्यादा होना चाहिए। अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि ये जो लैमिनार फ्लो है इट ऑकर्स इन द स्मॉल डायमीटर पाइप्स इन व्हिच फ्लूइड फ्लोस विद लो वेलोसिटी। जो भी छोटे छोटे डायमीटर के पाइप्स होते हैं और उसमें पानी बहुत स्लोली चलता है, वहां पे हम लोग को लैमिनार फ्लो मिलता है। और टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली किसमें मिलता है कि जहां पे लार्ज डायमीटर पाइप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, वहां पे पानी का फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे हमारा जो क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी लैमिनार फ्लो में क्या है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड एंड दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि मैंने अभी अपने पहले पॉइंट में बताया था कि फ्लूइड लेयर्स मूव पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे से मीटअप नहीं करते हैं, और उस ये हो गया हमारे लैमिनार फ्लो में। जबकि हमारा जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग होती है लेयर्स की, जो ये एडजेसेंट लेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनको हम लोग लेयर्स बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग लेयर्स ही बोलते हैं। ये जो अलग अलग लेयर्स हैं ये टर्बुलेंट फ्लो में मिक्स होते हैं बिकॉज ये लोग पैरेलली मूव नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो जो कि है लैमिनार फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट। यस, तो अभी हम स्कीमेटिक ऑफ फ्लो, जैसे कि मैंने अपने पिछले में लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताया था, ये उसी के बेसिक डायग्राम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी लेयर्स हैं वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, किसी दो को एक दूसरे से नहीं मिक्स कर रहे हैं, जबकि टर्बुलेंट में ये पैरेलली फ्लो नहीं कर रहे हैं, और एज यू कैन सी दे आर मिक्सिंग ऑल्सो। सो ये हो गया हमारे एक स्कीमेटिक डायग्राम कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दिखता कैसा है। और यहाँ पे आप लोग एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि है फ्लो वर्सेज प्रेशर डिफरेंस का ग्राफ, कि यहाँ पे लैमिनार फ्लो 2000 से नीचे और यहाँ पे ऊपर ये 4000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्रिटिकल आ रही है वो नंबर जो होता है वो होता है हमारा 2200। और रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी कैपिटल डी बाय ईटा। अभी रो का मतलब क्या है कि रो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डेंसिटी, ठीक है, वी हो गया हमारा वेलोसिटी, कैपिटल डी हो गया हमारा डायमीटर, और ईटा हो गया हमारा विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि होता है हमारे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, जिसमें हम लोगों ने एक एयर फ्लो के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं उसके बारे में
समझा, फिर हमने टाइप्स ऑफ एयर फ्लोज के बारे में समझा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो थैंक यू फ्रॉम माय माइंड.